बिहार के अंदर में वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, खासतौर पर एक्स सर्विस मैन का, और जो भी वैकेंसी आए सर उसमें भी इन लोग जो बड़ी धांधली स्कैम कर रहे हैं सर। नाम देने के लिए पैसा दीजिए, आयकर के लिए आता है तो मिठाई खाने के लिए पैसा दीजिए, इसको इसको तनख्वाह नहीं मिलती है। पैसा किसी से कोई भी आदमी अगर दिया हो, जब हम लोग किसी आदमी को बुलाए ही नहीं है, हम लोग तो रजिस्टर से सूची तैयार कर रहे हैं। भागलपुर के पूर्व सैनिक बहुत गुस्से में हैं। गुस्साए सैनिकों ने आज जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जोरदार हंगामा किया है। जब सैनिक हंगामा कर रहे थे तो लोग चुपचाप उन्हें देख रहे थे। वहीं हंगामे की सूचना के बाद बड़े अधिकारी हरकत में आए, इसके बाद मामला शांत हुआ। SBI गार्ड का एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी निकला है सर, जिसका जो है सो 10 तारीख तक का लास्ट डेट था। 10 तारीख के अंदर में जैसा इसका सर जो लेना था, जो भी यहाँ पे हम लोगों को जैसा मुंगेर सोल्जर बोर्ड से पता चला, जबकि भागलपुर सोल्जर बोर्ड के अंदर में 9 स्टेट डिस्ट्रिक्ट आता है सर, 9 डिस्ट्रिक्ट को इनको नोटिफिकेशन जारी करना था कि जो भी एलिजिबल पर्सन है वो यहाँ पर आकर के अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। आज डेट तक में जो है सो आज 9 तारीख हो गया सर, लास्ट तारीख है का मतलब कल संडे हो जाएगा सर, कल तो कुछ काम होगा ही नहीं। अभी तक इन्होंने जो है सो जानकारी नहीं दिया। मुंगेर से जानकारी मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद ये बोल रहे हैं कि 2018 जो जनवरी है वहाँ तक का लिस्ट हमने सर्कुलेट कर दिया है। सोचने वाली बात है सर कि 2015 से लेकर के 2018 तक जनवरी तक का जो लिस्ट इन्होंने सर्कुलेट किया है उसमें ना इनके पास कोई डाटा है कि कितने सैनिक सर्विस कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन ओनली फॉर ये एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी है सर, कितने एक्स सर्विसमैन सर्विस कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी में भी हो सर, ना इनके पास डाटा है। कितना सैनिक मर गया या जिंदा है या उनके परिवार को जो है सो पेंशन मिल रहा, उनका कोई डाटा नहीं है। किस बेसिस पे जो है सो सर यहाँ पे जो है सो वैकेंसी का जो है सो, एक तो बिहार गवर्नमेंट के अंदर में वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, खासतौर पर एक्स सर्विसमैन का, और जो भी वैकेंसी आए सर उसमें भी इन लोग जो बड़ी धांधली स्कैम कर रहे हैं सर। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखाओं में गार्ड के पद पर भूतपूर्व सैनिकों का नियमित भर्ती को लेकर कार्यालय से सूची मांगी गई थी, जिसमें 2013 से 2018 तक की सूची कार्यालय की ओर से भेजी जा रही थी, जिसका भूतपूर्व सैनिकों ने विरोध किया और कार्यालय में जमकर हंगामा किया। सैनिकों का कहना है कि 2022 तक की सूची भेजी जाए। जो वैकेंसी अलॉट हुआ है जिले वाइज उसको सार्वजनिक किया जाए और वो लिस्ट जो भेजा गया है हम लोगों को दिखाया जाए, जो किसका किसका नाम गया है, ताकि कोई जिले, हाँ सर, यहाँ का जितने भी स्टाफ हैं, चपरासी से लेकर के जितने भी हैं, क्या कह के पैसा ले रहे हैं, नाम देने के लिए पैसा दीजिए, आयकर के लिए आता है तो मिठाई खाने के लिए पैसा दीजिए, इसको इसको तनख्वाह नहीं मिलती है। आयकर के लिए 500 रुपया, अगर आप बच्चे का पार्ट ऑर्डर कराते हैं उसके लिए 1000 रुपया, यहाँ का रेट बंधा हुआ है मिठाई खाने के लिए, तब आपका जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा। और वो जो धनंजय है यहाँ का जो स्टाफ है वो सबसे इस वैकेंसी के लिए 20-20 हजार रुपया ले रहा है, प्रूव्ड है मेरे पास। हंगामे के बाद कार्यालय के पदाधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों की बात मानते हुए अभी तक की सूची विभाग को भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सैनिक शांत हुए। निदेशालय से भारतीय स्टेट बैंक में गार्ड के पद पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों का सूची का डिमांड किया गया है, जो 10 तारीख भेजा जाना है। यहाँ हम लोग जितना संख्या में सूची का डिमांड किया गया है, 12-13 से सूची नहीं गया था कभी, 12-13 से हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं। 18 तक में पूरा हो रहा था तो वही बोले कि 12-13 से 18 तक का सूची जा रहा है, इसी में इन लोगों का कहना है कि नहीं अभी तक का क्यों नहीं। तो अभी वर्तमान में तुरंत हम अपना पदाधिकारी से बात किए कि सर 12-13 से 22 तक का अभी तक का रजिस्ट्रेशन जितना आदमी का है सबका नाम भेज दिया जाए, ताकि इन लोगों का वो संतोष खत्म हो जाए। तो साहब मान लिए, कहे कि ठीक है वरीयताक्रम से 12-13 से लेके 22 तक का बनवा दीजिए और टोटल भेज दीजिए निदेशालय को। प्रदर्शन और
प्रदर्शनकारियों का कहना है कोई भी कागज के लिए यहाँ पैसा लिया जाता है। पैसा किसी से कोई भी आदमी अगर दिया हो, जब हम लोग किसी आदमी को बुलाए ही नहीं है, हम लोग तो रजिस्टर से सूची तैयार कर रहे हैं, तो आदमी आएगा तब ना पैसा देगा। तो पैसा लिया जाता है, कौन पैसा लिया है और कौन दिया है, अगर एक भी आदमी प्रूफ कर दे तो हम नौकरी से यहाँ त्याग पत्र दे। भागलपुर से बोलता बिहार के लिए कुणाल शेखर की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।